अरविंद जी, आज की जो बैठक व्यापारियों की थी, उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए? आज ये निर्णय लिया गया है कि शासन और प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए कि वो गंभीर रूप से इसमें लगे हुए हैं और बहुत सारे आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और आज प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक जी ने बहुत कठोर कार्रवाई करने का संकेत दिया है, तो इसको देखते हुए हम लोग एक हफ्ते का समय दिए हैं कि और जितना भी हमारे मांगे हैं उसको पूरा करें और उसके बाद हम लोग अपना आंदोलन तो स्थगित नहीं करेंगे। इस पूरे दौरान हम लोग का एक हफ्ते का जो समय दिया गया है वो आंदोलन चलता रहेगा और सभी मंडियों में, सभी बाज़ारों में जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम चलेगा, मशाल जुलूस निकलेगा, कैंडल मार्च होगा और उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी हर तहसील के माध्यम से जाएगा कि हमारी मांगें पूरी की जाए और इस प्रकार का जो भविष्य में जो कैंसर का रूप ले लिया है पूरे शहर से लेकर गांव-गांव में, इस पर जो है कठोर कार्रवाई किया जाए, नकेल कसा जाए और जो साहूकारी अधिनियम है उसको लागू अगर करना है तो ठीक से कराया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए इस सिस्टम को, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। आपने अरविंद गांधी जी को सुना, इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को एक तरफ एक सप्ताह की और मोहलत दी गई है। आपको बताना चाहेंगे कि 9 फरवरी को व्यापार मंडल की तरफ से बलिया बंद था, लेकिन आज की जो बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिला प्रशासन को एक सप्ताह का और मोहलत दिया गया है ताकि एक सप्ताह में और भी वो कार्रवाई कर लें, उसके बाद ये फिर व्यापार मंडल निर्णय लेगा कि आगे का कार्यक्रम क्या होगा। आइए बात करते हैं जी आपसे। हाँ, मैं पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप वर्मा एडवोकेट। मेरा शासन से एक ही मांग है कि सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और निश्चित तौर पे एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये ढुलमुल रवैया जो है प्रशासन की, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको आज 9 तारीख की जो हमारी बंदी थी, इसको अभी केवल पोस्टपोन किया गया है, न कि वो समझे कि समाप्त किया गया है। निश्चित तौर पे अगर ये कठोर कार्रवाई प्रशासन नहीं करती है तो हम व्यापारी और व्यापार मंडल, सभी व्यापार मंडल यहाँ सड़क पे उतरकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आपने प्रदीप वर्मा को सुना, जिन्होंने बताया चेतावनी के रूप में उन्होंने दिया है कि यदि उनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो आंदोलन उनका थमेगा नहीं बल्कि बहुत ही तेज होगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।